पोहरी एसडीएम के रूप में शिवदयाल धाकड़ ने किया पदभार ग्रहण। बोले, माफियाओं पर होगी कार्यवाही, किसान गरीब आदिवासियों की समस्याओं का करेंगे निराकरण। भेड़, लहर, गुना, ग्वालियर एवं शिवपुर में तहसीलदार के पद पर रह चुके हैं शिवदयाल धाकड़। पोहरी एसडीएम के रूप में आज शिवदयाल धाकड़ ने पदभार ग्रहण किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम शिवदयाल धाकड़ ने कहा कि हमें सभी के सहयोग से पोहरी क्षेत्र को आगे बढ़ाना है और प्रदेश में हर काम में अव्वल आना है। क्षेत्र में गरीब किसान एवं आदिवासियों की समस्याओं का निराकरण होगा। कोई भी कर्मचारी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। इस दौरान क्षेत्र में माफियाओं के विरोध में कार्यवाही की जाएगी। कोई भी शासकीय भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। यदि कब्जा है हटाया जाएगा। गरीबों का राशन सभी को मिलेंगे। यदि कोई माफिया है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, आपने आज पद ग्रहण किया पोहरी एसडीएम, क्या आपकी क्षेत्र की पहली प्राथमिकता है कि जो आप पूरी क्षेत्र में समस्या तो बहुत है लेकिन आपकी कुछ प्राथमिकता? मैं सभी लोगों से, कर्मचारी अधिकारियों से भी अपेक्षा रखूंगा कि हमारा पौरी क्षेत्र हर मामले में अग्रणी रहे और यहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हम सबसे प्राथमिकता में लेके, जो गरीब जनता, गरीब किसान, आदिवासी, जिनकी जो मतलब समस्या है वो उसको निराकरण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। लोगों को किसी भी तरह की कोई हम लोगों के स्तर से जो भी मदद हो सकती है हम लोग हर समय उनके साथ हैं और समस्या का हम निराकरण करेंगे। गलत काम और मतलब जो माफिया टाइप के लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हमारा उद्देश्य जनता की सेवा है और उसके लिए हम बिल्कुल लगन से, जी जान से काम करेंगे। सर, गर्मी का मौसम भी आ गया, पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई, इस क्षेत्र में अभी से क्या प्रयास है? उसके लिए हम लोग अपने जो नगरी क्षेत्र है उसमें सीएमओ साहब से बात करके प्लान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अभी हमने मीटिंग बुलाई है, सीएमओ सीओ साहब से भी बात करेंगे और जहां जो भी उचित निराकरण हो सकता है लोगों को मतलब समय सीमा में पेयजल की आपूर्ति होती रहे, कहीं कोई ऐसी समस्या ना आए कि लोग मतलब परेशान रहे, उसको निराकरण का हम समाधान करेंगे कि लोगों को पानी समय पर मिलता रहे।